शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वर्धामना परिसर में ट्रक के शीशे काटने वाली और डीजल चोरने वाली गैंग सक्रिय है। ट्रक में सोए हुए चालक के नींद से जगाने से लूटने की कोशिश नाकाम। ट्रक चालक में चिंता का वातावरण बना हुआ है। ट्रक चालक के सतर्क होने से लूटने आए चोर बाइक छोड़ भाग गए। वाड़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले वर्धामना ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में खड़े एक ट्रक चालक को चार चोरों द्वारा लूटने का प्रयास असफल हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सुबह 4 बजे के दौरान दो बाइक पर चार चोर शीशा काटने वाली गैंग वर्धामना स्थित ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में पहुंची। सुबह का वक्त होने से चालक ट्रक के कैबिन में गहरी नींद में सोया था। शीशा काटने वाली गैंग ने जैसे ही ट्रक का शीशा काटने का प्रयास किया तो पंजाबी के ट्रक चालक नींद से जाग गया। चालक ने टॉमी लोहे रॉड निकालकर चारों के साथ मुकाबला किया तो चारों चोर एक बाइक लेकर भाग गए। वह एक बाइक क्रमांक MH 31 BV 3088 को वही छोड़कर भाग गए। ट्रक चालक ने घटना की जानकारी बाकी चालकों को दी। 6 से 7 इकट्ठा हुए चोर लूटने से नाकाम हुए, लेकिन जो बाइक चोर छोड़ गए थे उसे लेने दोबारा घटनास्थल पर पहुंचे तो चालकों ने उन चारों से मुकाबला किया। चोर फिर भागने में सफल हुए। इस खबर की जानकारी सुबह वाड़ी पुलिस को तोबा ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष M.K. महेंद्र शर्मा ने दी है। पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामा किया गया, बाइक को थाने में लाया गया। अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बाइक का नंबर जाली बताया जा रहा है, जो कि बाइक चोरों ने लूटने के लिए इस्तेमाल किया। वह बाइक MH 31 BV 3088 का नंबर फर्जी है। RTO ऐप पर इसकी पुष्टि नहीं हुई। वाड़ी वर्धामना ट्रांसपोर्ट हब होने के कारण बाहर गांव से हजारों ट्रक आना जाना बना रहता है। रात में पार्किंग में ट्रक को खड़े कर ट्रक चालक सो जाते हैं। इसका फायदा चोर उठाते हैं और इससे पहले भी चोरों ने डीजल, स्टेपनी, टायर, पैसे, तरपाल का लूट कर चुके हैं। रात में पुलिस गश्त बराबर नहीं करती, ऐसे आरोप ट्रांसपोर्टरों द्वारा लगाया गया। ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में ट्रक चालकों को लूटने की घटनाएं होती रहती है। चालक भी सुरक्षित नहीं है। इसके पहले भी गाड़ियों के चारों पहिए तक चुरा लिए, लेकिन अब तक किसी चोर को वाड़ी पुलिस ने पकड़ा नहीं है। इस कारण चोरों की टोली सक्रिय रहती है। उन्हें किस प्रकार के पुलिस के डर नहीं रहता, इस कारण चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है। ऐसे आरोप ट्रांसपोर्टरों द्वारा लगाया गया। ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि बार बार पुलिस को रात की गश्त बढ़ाने को कहा गया, फिर भी उन्होंने गश्त नहीं बढ़ाई। ऐसे ही चलता रहा तो ट्रांसपोर्टरों के पास आंदोलन करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस समय M.K. शर्मा, सुशील शर्मा, नरेंद्र मिश्रा, मनोज सिंह, स्वामी सूद और प्रमुखता से उपस्थित थे। सुबह में जब ऑफिस पहुँचा तो तुरंत ड्राइवर ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे शीशा काटने वाली गैंग यहाँ पे आई थी रात में 4 बजे। वो 4 बजे पहुँच के शीशा काट रहे थे, वैसे ही बोले ये दोनों गाड़ी के ड्राइवर उठ करके ड्राइवर को घेरने की, चोरों को घेरने की कोशिश किया। घेरने की वजह वो पथराव किए ड्राइवर पे, ड्राइवर से पथराव करते करते तो इन्होंने राड लेके नीचे उतर गए, तो उन्होंने चोरों आगे भग गए अमरावती साइड में। उसके बाद वो 4-5 लोग आए उधर से, आने के बाद में मोटरसाइकिल लेने की कोशिश किए, मगर सरदारों ने राड लेके खड़े हुए थे मोटरसाइकिल को घेर के, वो मोटरसाइकिल ले नहीं पाए। ये मोटरसाइकिल जो जब्त है यहाँ पे, ये चोरों की है और चाकू, इसको चाकू दिखा रहे थे और शीशा काटने वाला जो टेस्टर है उसमें रेडियम लगा हुआ है, उससे शीशा काट करके इनको ड्राइवरों को बेहोश करते हैं। लोग बेहोश करने के बाद में इनको पूरा छिनताई कर लेते हैं। वो ये जो इन इसी से शीशा काटते हैं वो लोग, और काट करके ड्राइवरों को बेहोश कर देते हैं स्प्रे मार के। मगर ड्राइवर जगा हुआ था, क्योंकि ड्राइवर 4 बजे यहाँ पहुँचा था और वैसे ही चोर आगे अटैक कर लिए थे। यहाँ पे तो कितने 100-150 बार हो गया सर, मगर वाड़ी पुलिस स्टेशन इस पर कोई भी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस जो है, पहले जैसा रवैया महाराष्ट्र पुलिस का नहीं रहा। आज इसकी काफ़ी FIR अमितेश कुमार DCP थे उस समय भी हुई हुई है, और जब से पाठक साहब यहाँ पे आए हैं तब से तो चोरी का आतंक मचा हुआ है यहाँ। इतने 4 बजे आन के गड्डी लेके खिला रही थे, तो अहीं सौन की तैयारी बैठा, तो चोर आए मोटरसाइकिल से, उन्होंने आन के जो मेरे खिड़की आन के गड्डी का शीशा लाने लगे, तो मैं वेख्या, मैं फटाफट उठा, उठ के तो मैं उन्होंने राड़ लेके पिछा रौला पाया। 2-3 ड्राइवर होर आ गए, अहीं
ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਭਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਆਏ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਨੂੰ ਚਲ ਗਏ ਫਿਰ ਇਧਰ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਆਏ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲੋਤਾ ਫਿਰ ਛੋੜ ਕੇ ਭਾਗ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਤੇ ਚਾਕੂ ਵੀ ਉਹ ਛੁਰੀ ਆ ਉਸ ਕੇ ਪਾਸ ਜੋ ਕਾਟਣੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੋੜ ਕੇ ਭਾਗ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਅਮਲਾ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਖੜੇ ਰਹੇ ਰਾੜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੋੜ ਕੇ ਸਭ ਭਾਗ ਗਏ ਇੱਧਰ ਤੇ ਦੋ ਆਦਮੀ ਥੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਆਏ ਥੇ ਤੋ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਅਮਲੋਕ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਥੇ ਨਾ ਸਭ ਆਦਮੀ ਰਾੜ ਲੈ ਕੇ ਰਾੜ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਥੇ ਅਮਲੋਕ ਤੇ ਦੇਖਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਦਮੀ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਚਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋੜ ਕੇ ਭਾਗ ਗਏ ਲੋਕ ਦਾਮਨਾ ਸਿੰਘ ਮੋਟਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾੜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਗਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਆਇਆ ਰਾਤ ਮੇ ਗਾੜੀ ਖੜੀ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਸੋਨੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਜੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਥਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਛ ਅਗਿਆਤ ਆਰੋਪੀ ਆਏ ਗਾੜੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਾਟਣੇ ਲਗੇ ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰਕਤ ਮੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਜੇ ਸੇ ਰਾਡ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਉਤਰਾ ਚੋਰ ਭਗੇ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੇ ਜੋ ਚੋਰ ਆਏ ਥੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੋੜ ਕਰਕੇ ਯਹਾਂ ਭਗ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕੀ ਹਰਕਤ ਸੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣੇ ਸੇ ਸਭੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਤ ਆਠ ਡਰਾਈਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਰਾਡ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਬਕਿ ਉਹ ਜੋ ਚੋਰ ਲੋਕ ਆਏ ਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹੀ ਪਰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾ ਨੰਬਰ ਹੈ MH 31 BV 3088 ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾ ਨੰਬਰ ਹਮਨੇ RTO ਐਪ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੈੱਕ ਕੀਆ ਤੋ ਇਹ ਗਾੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ RTO ਆਫਿਸ ਮੇਂ ਇਸਕਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਬ ਐਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲੇ ਰੋਡ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਗਾੜੀਓ ਕੋ ਸੇ ਤੋ ਤੁਰੰਤ ਗਾੜੀ ਕੋ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਯਦਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟਤੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਤੁਰੰਤ ਸੀਜ਼ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋ ਫਾਈਨ ਮਾਰਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜਬ ਐਸੇ ਟੂ ਵੀਲਰ ਵਹੀਕਲ ਐਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੋ ਇਸਕੋ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸਕੋ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾਏ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਮੇਂ ਆਏ ਆਗੇ ਸੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਘਟੇ ਇਸੀ ਲਈ ਹਮ ਲੋਕ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾੜੀ ਵਰਦਾਵਨਾ ਮੇਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੇ ਆਤਾ ਹੈ ਕੋਈ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੇ ਆਤਾ ਹੈ ਬੇਚਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਡਰਾਈਵਰ ਰਹਤੇ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ 3-4 ਵਜੇ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਤੇ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੋਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਚ ਕਾਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੀ ਕਾ ਆਜ਼ਾਰ ਲੈਤੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਮਨੇ ਵਾੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੇਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਾੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇਸ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਕੂ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਲੋਕੋਂ ਸੇ ਮੈਂ ਆਪ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਮੇਂ ਆਏ ਔਰ ਇਨਕੀ ਗੈਂਗ ਕੋ ਪਕੜਾ ਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾਏ ਧੰਨਵਾਦ ਇਨ BCN ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਵਾੜੀ ਸੇ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਂਸੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ